आज हमें इन्वेस्टमेंट कर लेनी चाहिए, यहाँ पे बहुत कम रेट पे हमको चीज़ें मिल रही है, इस वक्त ऑन नहीं है, कोई प्रॉफिट नहीं है, और ये भी सिर्फ ये नहीं है कि सोसाइटी की तरफ से कोई बैड न्यूज़ है। अच्छा कल को कमर्शियल बनता है, वो अच्छे बिजनेस के लिए आप आउटलेट अच्छी बनती है वहाँ पे। लाहौर के बहुत मशहूर हॉस्पिटल भी वहाँ पे जा रहा है, और उसके बाद कजाफी स्टेडियम भी हम सुनने में आ रहा है कि वो भी वहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है। वहाँ पे है 2.66 के साथ है, वो इस वक्त जो उसका जो माइनस का रेट है तकरीबन आपका वाल्टन एयरपोर्ट वहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया, उसका रनवे बन गया है। वहाँ पे 4 से 5 यूनिवर्सिटीज़, जिसमें 2 से 3 यूनिवर्सिटी तो वहाँ पे ऑपरेशनल हो गई हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, अली रज़ा फ्रॉम ब्लास्ट रियल एस्टेट। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपसे डिस्कस करेंगे लाहौर स्मार्ट सिटी, और लाहौर स्मार्ट सिटी की इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे पहले डिस्कस करेंगे कि लाहौर स्मार्ट सिटी हो या अर्बन सिटी हो या अलकबीर टाउन हो। देखें, सबसे पहले हम लोकेशन को डिस्कस करेंगे कि लोकेशन काला शाह काकू ही क्यों ज़रूरी है अगर हमने मुस्तकबिल के लिए कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, या हमने अपने लिए कोई प्लॉट लेना है, या हमने अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट करके कल को प्रॉफिट कमाना है। काला शाह काकू की लोकेशन डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि DHFA6 जहाँ पे मेरा ऑफिस है ब्लास्ट रियल एस्टेट, मैं उसी की छत पे खड़ा होकर वीडियो बनाने का आज का मकसद ये है कि मैं आपको DHFA6 का व्यू दिखा सकूं कि क्या 10-15 साल पहले ये व्यू था। अगर आप लाहौर के रहायशी हैं या फिर भी अगर थोड़ा बहुत लाहौर को जानते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या 15 साल पहले ये यहाँ पे आपको घर थे नज़र आ रहे थे, या DHA की यहाँ पे आपको इतनी ज़्यादा जो रिहाइश नज़र आ रही है ये थी इतनी ज़्यादा। यकीनन मैं तो आपको बताऊंगा कि ये कब DHA ने Phase 6 और 7 लॉन्च किया, फिर घर बनना कब शुरू हुए, यहाँ पे डेवलपमेंट कब शुरू हुई, मैं तो आपको ज़रूर बताऊँगा अगली वीडियो में। लेकिन मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि DHA Phase 6 को कितनी देर लगी डिवेल्प होने में, और क्या यहाँ पे जब DHA Phase 6 स्टार्ट हुआ इसकी फ़ाइल का रेट क्या था, फिर प्लॉट का रेट कितने अरसे तक कहाँ तक रहा, और आज का रेट क्या है, ये मैं ज़रूर आपके आपसे जानना चाहूँगा। इसी तरह हम बात करेंगे कि अगर आपको लगता है कि अभी काला शाह काकू का टाइम नहीं है, अभी इसको टाइम लगेगा, 10-15 साल लग जाएंगे, तो अभी आप उसको देखें कि कंपैरिजन भी करें ना कि रेट अभी वहाँ पर आपको क्या मिल रहे हैं, क्या 10 साल बाद आपको ये रेट मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पे जो होने जा रहा है, वहाँ पे रोडा की तरफ से एक नया शहर बनाना जा रहा है, वो उसमें तकरीबन इस वक्त को 20 से 25 सोसाइटी लॉन्च हो गई है जो वहाँ पे ऑन ग्राउंड काम कर रही हैं। अब वहाँ पे होने क्या जा रहा है काला शाह काकू में, जैसे कि हमने अपनी पहले वीडियो में अभी आपको बताया था कि काला शाह काकू में आपका वाल्टन एयरपोर्ट वहाँ पर ट्रांसफ़र हो गया, उसका रनवे बन गया है। वहाँ पर 4 से 5 यूनिवर्सिटीज़, जिसमें 2 से 3 यूनिवर्सिटीज़ तो वहाँ पे ऑपरेशनल हो गई हुई है, को तकरीबन 5 से 6 यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पे अपना प्लान कर चुकी है, वहाँ पे अपनी लोकेशन बता चुकी हुई हैं, और टॉप यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पे आपके हॉस्पिटल लाहौर के बहुत मशहूर हॉस्पिटल भी वहाँ पे जा रहा है, और उसके बाद कजाफी स्टेडियम भी हम सुनने में आ रहा है कि वो भी वहाँ पर ट्रांसफ़र हो रहा है को तकरीबन आने वाले चंद सालों में। ये सब कुछ जो लाहौर में था, जिसकी वजह से लाहौर की ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, अब तकरीबन कोई 2 साल पहले 3 साल पहले हुकूमत ने सब चीज़ें वहाँ पे ट्रांसफ़र करने का फाइनली सोच लिया, और इस पर काम भी जारी है। लिहाजा आज हमें इन्वेस्टमेंट कर लेनी चाहिए, यहाँ पे बहुत कम रेट पे हमको चीज़ें मिल रही है, जिसमें आपको रेट जानने होंगे अर्बन सिटी के, वो भी आप कॉल करें, आपको रेट बताऊंगा कि 3 मरला 5 मरला 10 मरला और 1 कनाल का वहाँ पे क्या रेट है। अलकबीर ऑर्चर्ड के आपको रेट बताऊंगा कि 3 मरला 5 मरला 10 मरला और 1 कनाल के क्या रेट है। वहाँ पे कमर्शियल इन दोनों सोसाइटीज़ के भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, या नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे ज़रूर डिस्कस करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आपसे डिस्कस करनी थी लाहौर स्मार्ट सिटी। लाहौर स्मार्ट सिटी इस वक्त जैसे कि ओवरऑल रियल इस्टेट की मार्केट में प्राइजेस नीचे आई हुई हैं, इसी तरह लाहौर स्मार्ट सिटीज़ की भी प्राइजेस नीचे आई हुई हैं, और आपको इस वक्त बहुत ही मुनासिब प्राइस में चीज़ें मिल रही हैं। आप यहां पे ज़रूर इन्वेस्टमेंट करें, कम से कम 2 साल का आप इन्वेस्टमेंट जेन बना के करें तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट होगा। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए लेना है तो फिर भी बहुत अच्छी ये लोकेशन है। इसमें इस वक्त जो 5 मरला का रेट है, जो आपको आपने सुना होगा कि एक इसकी बुकिंग है 5 मरला की 2160 की, हाँ इसे एक पहले वाली फ़र्स्ट बुकिंग भी 18 लाख वाली 5 मरला था, उसमें 10 मरला भी था, उसमें 1 कनाल भी था। ये आलमोस्ट तकरीबन इस वक्त कोई बहुत सारी जो है फाइल्स है वो प्लाट में कन्वर्ट हो गई है, शायद इक्का दुक्का फाइल हमें मार्केट में मिले, इसलिए मैं उसके रेट आपसे डिस्कस नहीं कर रहा। सेकेंड बुकिंग के मैं आपसे रेट डिस्कस करूँगा, और थर्ड बुकिंग के भी रेट डिस्कस अभी नहीं करूँगा, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में आपसे ज़रूर करूँगा। अब सेकंड बुकिंग की बात करें, 21 लाख 5 मरला की इसकी फ़ाइल थी,
वो इस वक्त तकरीबन आपको मिल जाएगी को उसका को 50,000 माइनस से लेके कोई 70-75 तक आपको माइनस में फाइल मिल जाएगी। और उसके बाद सात मरला की बात करें, सात मरला में बुकिंग है 28,20,000 रुपये की, वो इस वक्त आपको को तकरीबन 1,00,000 से लेके 1,50,000 माइनस में वो भी फाइल मिल जाएगी, यानी कि जो इसका गया होगा उस में माइनस होके। इस वक्त ऑन नहीं है, कोई प्रॉफिट नहीं है, और ये भी सिर्फ ये नहीं है कि सोसाइटी की तरफ से कोई बैड न्यूज़ है जिसकी वजह से रेट नीचे गए, ये सिर्फ एक मार्केट का फ्लो है जिसकी वजह से रेट नीचे, ये आने वाले दिनों में इंशाल्लाह बहुत बेहतर होगा। और उसके बाद मैं आपसे डिस्कस करता जाता हूँ 10 मरला की फ़ाइल जो कि 39,60,000 रुपये की बुकिंग थी, वो भी इस वक्त आपको तकरीबन कोई 50,000 माइनस से लेके 1,00,000 माइनस तक मिल जाएगी। और उसके बाद इसी में एक बुकिंग है ओवरसीज़ 10 मरला जो कि 40,80,000 वाली बुकिंग थी, वो आपको तकरीबन इस वक्त लेवल में मिलेगी। वो इसलिए कि जो ओवरसीज़ की जितनी भी बुकिंग है वो बेशक इस वक्त प्लाट में कन्वर्ट हो गई हो या इस वक्त भी फाइल हो, ओवरसीज़ बुकिंग के रेट अभी भी बहुत बेहतर हैं अकॉर्डिंग टू एग्जेक्टिव ब्लॉक के। और उसके बाद आपसे डिस्कस करूँगा मैं एक कनाल का जो कि 64,80,000 रुपये वाली बुकिंग थी, वो इस वक्त 2,00,000 से लेकर 2,50,000 तक आपको माइनस में फाइल मिलेगी। इसी के साथ एक बुकिंग थी ओवरसीज़ की 66,00,000 वाली, वो आपको तकरीबन लेवल से लेके को 50,000 माइनस तक ऊपर नीचे रेट, क्योंकि फाइल के रेट ऊपर नीचे डेली बेस पे होते रहते हैं। और उसके बाद मैं आपसे डिस्कस करूँगा, ये तो हो गया रेजिडेंस के, और इसमें मैंने आपको जैसे वीडियो में पहले बताया था कि फर्स्ट बुकिंग और थर्ड बुकिंग मैं आपसे डिस्कस नहीं कर रहा, उसके रेट इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में आपसे डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद मैं आपसे कमर्शियल डिस्कस करता हूँ कि कमर्शियल वहाँ पर है 4 कैटेगरीज़ में, वहाँ पे है 2.66 के साथ है, वो इस वक्त जो उसका जो माइनस का रेट है तकरीबन को 3,00,000 से लेके 3,50,000 रुपये तक का। उसके बाद 4 मरला एग्जेक्टिव आ जाता है, उसका भी रेट को 4,00,000 माइनस से लेके 4,50,000 रुपये माइनस तक है। और उसी में ओवरसीज़ आ जाता है 4 मरला, वो तकरीबन कोई 2 से 2.5 लाख रुपये तक माइनस में है। उसके बाद 6 मरला कमर्शल आ जाता है, 6 मरला इस वक्त थोड़ा सा ज़्यादा नीचे है, उसमें आपको तकरीबन को 8,00,000 से लेके 8,50,000 माइनस में फाइल मिल जाएगी। फिर आ जाता है 8 मरला कमर्शल, 8 मरला कमर्शल बहुत अच्छी उसकी डिमेंशंस होती है और अच्छा कल को कमर्शल बनता है, वो अच्छे बिजनेस के लिए आप आउटलेट अच्छी बनती है वहाँ पे, उसके प्राइसेस ज़रूर हाई होती है, सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन वो एक अच्छी डिमेंशंस के साथ होता है। उसका भी रेट इस वक्त तकरीबन कोई 8,00,000 माइनस से लेके 8,50,000 तक माइनस में है। इसके अलावा कोई भी आप फाइल के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं, काला शाकाकू की किसी लोकेशन या किसी भी सोसाइटी की इंफॉर्मेशन चाहते हैं, या इन फाइल में किसी भी तरह का मज़ीद रेट जानना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमें कॉल करें, हम आपकी बेहतरी रहनुमाई की कोशिश ज़रूर करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।